सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन ओम शांति, गुड मॉर्निंग। मीठा वावा ज्ञान का सागर, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, मर्जीबा बने हो तो सब कुछ भूल जाओ। एक बाप जो सुनाते हैं वो ही सुनो और बाप को याद करो। तुम्हें संग बैठूं, तुम्हें संग खेलूं, तुम्हें संग बोलूं, तुम्हें संग चलूं। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, सदगति दाता बाप बच्चों की सदगति के लिए कौन सी शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे सदगति में जाने के लिए अशरीरी वन बाप और चक्र को याद करो। योग से तुम एवर हेल्दी निरोगी बन जाएंगे, फिर तुम्हें कोई भी कर्म कुटने नहीं पड़ेंगे। और दूसरी बात बाप पूछ रहे हैं, जिनकी तकदीर में स्वर्ग का सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी। भगत वो ज्ञान सुनने के लिए कहेंगे, हमारे पास फुर्सत नहीं है, वो कभी ब्राह्मण कुल की भी भांति नहीं बनेंगे। उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि भगवान भी किस रूप में कभी आते हैं। इसलिए हम बच्चे निश्चय बुद्धि है तो सदगति हमें मिल सकती है, लेकिन तभी जब हम पुरुषार्थ करेंगे। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है, तुम्हें दिल लगाने को जी चाहता है, जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को। भगवान बैठ भक्तों को समझाते हैं। भक्त कौन है? भगवान के बच्चे सभी हैं भक्त, बाप है एक। जो बच्चे चाहते हैं एक जन्म तो बाप के साथ भी रहकर देखें। देवताओं से भी बहुत जन्म बीते, आसुरी संप्रदाय के साथ भी बहुत जन्म बीते। अब भक्तों की दिल होती है एक जन्म तो भगवान के बनकर भगवान के साथ रहकर देखें। अभी तुम भगवान के बने हो, मर्जीबा बने हो तो भगवान के साथ रहते हो। ये जो अमूल्य अंतिम जीवन है इसमें तुम परमपिता परमात्मा के साथ रहते हो। गायन भी है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं। जो मर्जीवा बनते हैं उनके लिए यह जन्म साथ रहना है। यह है कि ऊंचे तो ऊंचा जन्म है, बाप ये की बार आते हैं, फिर तो कभी आ नहीं सकेंगे। एक ही बार आकर बच्चों की सर्व मन कामनाएं पूर्ण कर लेते हैं। भक्ति मार्ग में मांगते बहुत हैं, साधु संत महात्माएं देवी देवताएं आदि से आधा कल्प से मांगते रहते हैं। और दूसरा जप तप धन दान पुण्य आदि भी जन्म बाई जन्म करते ही आए हैं। कितने शास्त्र पढ़ते हैं, अनेक अनेक शास्त्र मैगजीन आदि बनाते, थकते नहीं है। बाबा कहते हैं, समझते हैं इनसे ही भगवान मिलेगा, परंतु अब बाप खुद कहते हैं, तुम जन्म जन्मांतर जो कुछ पढ़े हो, अब यह सब कुछ शास्त्र आदि पढ़ते हो, इनसे कोई मेरी प्राप्ति नहीं होगी, बहुत किताब आदि है। सारे दुनिया की और तुम्हारे बुद्धि में जो बातें नहीं थी वो अब मैं तुमको सुनाता हूं। दो अक्षर याद करो, मनमना भव मध्यांजी भव। यह अक्षर तो भक्ति मार्ग की गीता के है, परंतु बाप इसका अर्थ
अच्छी रीति समझाते हैं। भगवान ने तो सहज राजयोग सिखाया, कहते सिर्फ मुझ बाप को याद करो। भक्ति में भी बहुत याद करते थे, गाते भी हैं, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, फिर भी कुछ समझते नहीं है। बाबा कहते हैं, समझाते हम बच्चों को, बच्चे स्कूल आदि में जो किताब पढ़ाई जाती है उनमें फिर फी एम ऑब्जेक्ट है, फायदा है, कमाई होती है, मर्तबा मिलता है। बाकी शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं उसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। पढ़ाई को कभी भी अंधश्रद्धा नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं कि अंधश्रद्धा से पढ़ते हैं, पढ़ाई से बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनते हैं, उसको अंधश्रद्धा कैसे कहेंगे। यह भी पाठशाला है, यह कोई सत्संग नहीं। लिखा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो समझना चाहिए, जरूर ईश्वर का बहुत भारी विद्यालय होगा। इसलिए बाबा कहते हैं, अपना चार्ट लिखना है कितना समय हम योग में रहते हैं। ऐसे नहीं हर एक रेगुलर चार्ट लिखेंगे, नहीं, थक जाते हैं। वास्तव में क्या करना है, रोज अपना मुंह आईने में देखना है तो पता पड़ेगा कि हम लक्ष्मी को व सीता को वरने के लायक हैं। वह प्रजा में चले जाएंगे। पुरुषार्थ तीव्र कराने के लिए चार्ट लिखने को कहा जाता है, और देख भी सकते हैं कि हमने कितना समय शिव बाबा को याद किया। सारी दिनचर्या सामने आ जाती है, जैसे छोटेपन से लेकर सारे आयु की जीवन याद रहती है ना, तो क्या एक दिन का याद नहीं पड़ेगा। देखना है हम बाबा को और चक्र को कितना समय याद करते हैं। तुम सब राज ऋषि हो, वो है हट्टयोग ऋषि, वो भी पवित्र रहते हैं। राजा ही में तो राजा रानी सब, प्रजा भी चाहिए। सन्यासी में तो राजा रानी है नहीं, उनका है हद का वैराग, तुम्हारा है बेहद का वैराग। वो घर बार छोड़कर फिर भिखारी दुनिया में ही रहते हैं, तुम्हारे लिए इस दुनिया के बाद फिर है स्वर्ग देवी बगीचा, तो वही याद पड़ेगा। यह बात तुम बच्चे ही बुद्धि में रख सकते हो, बाकी किसी को समझ में आएगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं, मेरा जन्म ही भारत में होता है, मंदिर भी यहां है, जरूर किसी शरीर में प्रवेश किया होगा। दिखाते हैं, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, तो क्या उसमें आया होगा। ऐसे भी नहीं कहते कि श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। बाप खुद कहते हैं, मुझे ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचनी है। कोई को भी यह तुम समझा सकते हो, यह बात है, परंतु माया इतनी प्रबल है जो याद करने नहीं देती, आधा कल्प की दुश्मन है, और इसी दुश्मन पर हमें जीत पानी है। तो बाबा इस धारणा में कहते हैं, तीव्र पुरुषार्थ के लिए याद का चार्ट जरूर रखना है, रोज आईने में अपना मुंह देखना है, चेक करना है हम मोस्ट बिलीवेड बाप को कितना समय याद करते हैं। जो कुछ पढ़ा है वो भी भूल चुप रहना है, मुख से कुछ भी कहना नहीं है, बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कह, मैंपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। आप अनेक आत्माओं के संग उत्साह उमंग को बढ़ाने के निमित्त बच्चे कभी भी मैपन में नहीं आना। मैंने किया नहीं, बाबा ने निमित्त बनाया। मैं के बजाय मेरा बाबा, मैंने किया मैंने कहा या नहीं, बाबा ने कराया बाबा ने किया तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। जितना आपके मुख से बाबा बाबा निकलेगा उतने अनेकों को बाबा का बना सकेंगे। सबके मुख से यही निकले कि इनकी तात और बात में बस बाबा ही है।
साथ में स्लोगन दे रहे हैं, बाबा हम बच्चे को संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। तो आज के मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं, कदम कदम पर सफलता समाई हुई है। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हैं, निरंतर शिव बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा 24 घंटे मेरे मस्तक के ऊपर है और उनकी किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही है, मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।